और मध्य प्रदेश में भले ही शासन बदल गया हो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी जैसे वेंटिलेटर पर ही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी बद से बदतर है, और शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार मात्र मृत्यु के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। हाल फिलहाल में ही प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां भगवान भरोसे प्रसूताओं का प्रसव होता है। आज सुबह लुगासी के अंतर्गत ग्राम धौनी की 20 वर्षीय प्रसूता प्रसव के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, लेकिन यहां मौजूद नर्सिंग ऑफिसर ने ही डिलीवरी कर दी, जिससे कि कुछ ही घंटों के भीतर महिला की मौत हो गई है। जानकारी लगते ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आनन फानन में जांच टीम का गठन किया और जांच के आदेश दिए। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ महिला डॉक्टर प्रियंका चौहान अपने फोन से ही अस्पताल चलाती हैं। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही से ही मरीज की मौत हुई है। ऐसा हुआ कि उनका 6 बजे दर्द हुआ तो वो यहीं पर आ गए थे, तो फिर डिलीवरी हुई तो डिलीवरी में जब टाँके लगने थे, टाँके में बहुत लेट हुआ, बहुत उनका ब्लेड गया बहुत ज़्यादा। तो ये लोग बोल रहे थे कि पहले बोला कि हमारे बस की नहीं, फिर बोलते कि हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, 3-4 बार यहाँ से वहाँ भेजाया हम लोगों को, जब जैसे तुम्हारे बस की नहीं थी। डिलीवरी की डॉक्टर ने चेकअप किया पहले? नहीं, नर्सों ने डिलीवरी की, डॉक्टर कोई आया ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि देखो, हमारा आदमी तो है ही नहीं, अब तो चला ही गया। ठीक है, तो कार्रवाई करो आप लोग कि क्यों इतनी लापरवाही करते हैं। आज सही होती तो हमारा मरीज सही होता है। आज डॉक्टर की लापरवाही है, जैसे डिलीवरी करनी चाहिए वो यहाँ पे थे ही नहीं। नर्स ने की नर्स ने ही कहा था, बोले नहीं तो पैसा दो, नहीं तो फिर छतरपुर के लिए रेफर कर देंगे। डिमांड उनकी 2000 रुपए की थी, जबकि हमने कहा हमारे पास है नहीं, तो पहले 500 दिया, 500 के लिए मना किया, बोले छतरपुर चले जाओ, नहीं तो फिर 500 रुपए और दो, तो 1000 रुपए दिए। हाँ, हमको जानकारी मिली हमारे SDM मैडम के निर्देश पे, मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ, और यहाँ पे जानकारी मिली है कि एक महिला है, धौनी निवासी है, बबलेश कुशवाहा, उम्र लगभग जिनकी 20 वर्ष है, उनकी डिलीवरी के बाद उनकी डेथ होना बताया गया है। क्या कार्रवाई की जा रही है? जांच की जाएगी। देखिए, सुबह 7:30 के लगभग पे धौनी ग्राम से बबलेश कुशवाहा नाम से डिलीवरी के लिए यहाँ आई थी, जो कि फुल डायल स्टेशन पे थी, और 7:48 से उसको डिलीवरी हुई है, और अभी उसका प्रथम सूचना दे के पंचनामा बनाकर पुष्टवाहन कराया जाएगा, उसको जो भी निकल के आएगा किसकी गलती है सामने आ जाएगा।